Good morning, a very very good morning to all of you. So finally your exam is over, है ना? क्या last paper है? Okay, जो भी है, I hope आप सबके exams बहुत अच्छी हुई होंगी क्योंकि हमने revision भी किया था और exam paper pattern भी देख लिया था, इसलिए I hope आप सबने बहुत अच्छा लिखा होगा, है ना? एंड आई ऑल्सो होप कि आप सबकी तबीयत अच्छी है ना? स्टे हेल्दी कहा था ना मैंने, हर बार मैं हर वीडियो में आप सबसे बोलती हूँ अपना अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखना, क्योंकि कोविड चल रहा है वापस, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, है ना? ओके, सो आफ्टर एग्जाम बैक टू स्टडीज, वापस पढ़ाई पे आ जाते हैं हम, है ना? Okay, so first we will start with our short prayer. Join your hands, close your eyes. TWN 15, SIX, TWN 16,
SEVENTWEN 17, EIGHTWEN 18, NINETWEN 19, TWENTY 20, उसके बाद 21 का, so TWENTYONE 21, TWENTYTWO 22, TWENTYTHRE 23, TWENTYFOUR 4 24, TWENTYFIVE 25, TWENTYSIX 26, TWENTYSEVEN 7 27, TWENTYEIGHT 8 28, TWENTYNINE 29, फिर 30 का स्पेलिंग THIRTY 30ONE 31, THIRTYTWO 32, THIRTY FTHRWE 33, THIRTYFOUR 4 34, THIRTYFIVE 5 35. सो हमने आज 35 का नंबर नेम सीखा और 1 से लगा के 34 तक के नंबर नेम हमने रिवाइज भी किए. सो आपको क्या करना है, आपकी मैथ्स की जो नोटबुक है उसमें पूरा एक पेज 35 का पूरा स्पेलिंग लिखना है, बोल बोल के लिखना है, ठीक है, और पहले वाले सारे नंबर नेम्स आपको रिवाइज करने हैं. सो अच्छे से रिवीजन करना प्रीवियस नंबर्स का और इस नंबर को अच्छे से अपनी नोटबुक में बोल बोल के लिखना है. 35 तो हमने 1 से लगा के 35 तक के नंबर नेम्स सीख लिए हैं ना. यस, तो आपको ये सारे नंबर नेम्स याद रखने हैं. समझ में आ गया, क्योंकि आपकी जो वर्कबुक है उसके अंदर 1 से लगा के 50 तक के नंबर नेम्स भी दिए हुए हैं. जो वर्कबुक है वहां नंबर होता है, उसके नीचे उसका नंबर नेम भी लिखा हुआ होता है. डोंट वरी, ये सारे नंबर नेम्स आगे भी आपको आगे के क्लासेस में भी रिवाइज होंगे, इसलिए डोंट टेक टेंशन कि इतना सारा याद रखना पड़ेगा. इसमें इतना सारा कुछ भी नहीं है. 1 से लगा के 20 तक के नंबर नेम्स आपको आने चाहिए. फिर 21 से तो 1 से 9 तो सेम रहता है. फिर आपको सिर्फ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बस वही नंबर याद रखने रहते हैं, क्योंकि पीछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेम ही रहेगा. सिर्फ आगे का ही आपको याद रख, आगे का भी एक बार याद कर लिया तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? सिर्फ एक बार याद करना है आपको 20 का नंबर, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90. सिर्फ ये नंबर याद रख लिए, पीछे के तो सेम ही रहते हैं 1 to 9. हो गया नंबर नेम्स कंप्लीट. इस तरीके से आप फटाफट 1 से 100 तक के नंबर नेम्स याद रख सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी. आपको सिर्फ मेन एक जो स्पेलिंग है 20, 30, 40, 50 वाला वो याद रखना रहता है, पीछे का तो सेम ही रहता है सब में. पहले तो 1 से 20 तक के नंबर नेम्स तो आपको आने ही चाहिए, राइट? तो वो तो आपको याद करना ही है. 1 से लगा के 20 तक के नंबर नेम्स तो आपको आने ही चाहिए. फिर 21 टू 30 वैसे ही आ जाएगा आपको, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पीछे लगाना है और कुछ भी नहीं करना है. 20 के आगे 1, 2, 3, 4 तो वो 21, 22, 23 ऐसा बनता जाएगा. समझ में आ गया सबको? ओके, सो ये अच्छे से लिख लेना आपकी नोटबुक में और सारे नंबर नेम्स रिवाइज कर लेना, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी.